भारत देश का ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन है, और ये न केवल देश का है बल्कि दुनिया का भी अभूतपूर्व है। पूरे देश के किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिला, वकील, सब आम जन इसको समर्थन कर रहा है, और न केवल देश में बल्कि दुनिया के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, बाकी देश हो, सब जगह से इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। तय रूप से अभी एक महीने से ज़्यादा, आज दो दिन ज़्यादा हो गया, 26 तारीख को कूच का आह्वान था, आज 28 तारीख है। तय रूप से 30 तारीख को आह्वान किया है किसान संयुक्त मोर्चे ने कि जो सिंधु बॉर्डर है वहाँ से ट्रैक्टरों का एक काफिला, जो दिल्ली के चौतरफा जो मोर्चे लगे हुए हैं, वो एक एक मोर्चे के पास ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे, किसान के ट्रैक्टर लेकर के टिगरी आएंगे, शाजापुर, गाजीपुर, इन सब पे जहाँ भी सरकार की पुलिस जहाँ भी रोकेगी वहीं बैठने का काम जो पिछले एक महीने से ज़्यादा से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वही निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि ये भी इतनी भयंकर ठंड में सरकार के सब दमनकारी किसान आंदोलन को बदनाम करने की, किसान आंदोलन को बांटने की, देश की सरकार ने सब प्रयास कर लिए हैं, सरकार संपूर्ण रूप से विफल हुई है। तय रूप से 29 तारीख को हमारी सरकार ने जो निमंत्रण भेजा था, पहले वार्ताएं भी हुई लेकिन सरकार ने किसी भी पीछे हटने से तैयार नहीं हुई। अब फिर तो संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना एजेंडा और 29 तारीख को 11 बजे का समय दिया है। आज सरकार की तरफ से क्या उत्तर आता है उसके अनुसार होगा। 31 तारीख को तमाम जो दिल्ली के और दिल्ली के आसपास जितने भी शहरों के मध्यम वर्ग हैं उनसे कहा है कि 1 तारीख को वो नया वर्ष हमारे साथ मनाएं, हम जो खाते हैं उनको खिलाएंगे बढ़िया से, और अगर फिर भी सरकार अगर 29 तारीख को इसको नहीं करती है तो 1 तारीख को आर पार की लड़ाई का आह्वान होगा, और वो आह्वान में देश की सरकार हारेगी और देश का किसान जीतेगा। क्योंकि मोदी ने इस देश के किसान के साथ जिस तरह से वो खालिस्तानी है, नक्सली है, पाकिस्तानी है, मतलब इससे ज़्यादा अपराध देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। भले इस देश का किसान को कह रहा है ये किसान नहीं है, ये किराए के हैं, मतलब इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। मतलब इतने निम्न स्तर पे देश का प्रधानमंत्री, उनका कोई कार्यकर्ता, उनका कोई एमपी कह दे, बात समझ में आती है। इस देश की दुनिया में दूसरी नंबर की आबादी चीन के बाद भारत है, और उसका देश का प्रधानमंत्री, इस देश की बहुमत आबादी जो किसान है उनको वो किसान नहीं माने, उनको वो खालिस्तानी कहें, उनको वो नक्सली कहें, वो पाकिस्तान समर्थन से चल रहा है, और अभी वो इस प्रदेश की केरल में ये है, उस प्रदेश में ये है, उनसे किसी भी राज्य सरकार से आंदोलन की मांग नहीं है। देश की केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं और बिजली प्रस्तावित कानून जो देश की आम जनता के खिलाफ है, और किसान की इन नई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों से जो किसान कर्जदार हो रहा है, निश्चित रूप से उसको लाभकारी भाव राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया था उसके अनुसार मिले, कर्जा माफ़ हो और MSP की कानूनी गारंटी हो, खरीद की गारंटी हो, केवल घोषणा नहीं करे। अभी केंद्र सरकार ने बाजरे की समर्थन मूल्य 2150 रुपया पर कुंटल कर रखा है, लेकिन राजस्थान में 1 किलो बाजरा नहीं खरीदा है, जो इस देश में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, 43 लाख मेट्रिक टन हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए 2150 रुपये की जगह 1100 और 1150 में किसान बेचने को मजबूर है, इसका मतलब 1000 रुपया पर कुंटल का नुकसान किसान को हो रहा है। किसी के 20 कुंटल बाजरा हुआ है तो मोदी जी 2000 रुपया इस हाथ से दे करके 18000 रुपये इस हाथ से छीन रहे हैं, तो किसान को 18000 का नुकसान हो रहा है, और 2000 में वो 14000 करोड़ है देश के लिए, ये है। और जो मोदी जी कहते हैं
कि MSP थी, है और रहेगी, आज की तारीख में नहीं खरीद रही है। दूसरे मोदी जी कह रहे हैं देश का किसान अभी आज़ाद हुआ है, वो कहीं भी ले जाकर अपनी जिन्स बेच सकता है, लेकिन राजस्थान का किसान हरियाणा में जो मोदी जी खरीद रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन खट्टर कह रहा है कि राजस्थान का किसान हरियाणा में आकर अपना बाजरा नहीं बेच सकता, तो इससे ज़्यादा झूठा प्रधानमंत्री नहीं है। और मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, इस राजस्थान की जनता ने 25 में से 25 सांसद लोकसभा के दिए हैं, और अगर इस तरह का भेदभाव राजस्थान के किसान से करेगा तो अब की बार 25 की जगह 00 आएगा उसको, क्योंकि ये इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। ये जनता से सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकारों से जनता नहीं है। राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की 163 थी उसको हरा करके कांग्रेस को दिया, लेकिन 6 महीने बाद जब देश के स्वाभिमान का सवाल उठाया गया तो 25 के 25 भारतीय जनता पार्टी को दिया। और अब राजस्थान के किसान के साथ जिन्होंने 25 MP के और उन MP के आधार पर ही देश का प्रधानमंत्री बना है, और उस जनता के साथ इस तरह का विश्वासघात करता है, मैं समझता हूँ इसका हिसाब चुकता करने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है और लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव थे, 11 तारीख को ख़त्म हुआ, हम 12 को चले और 13 को यहाँ पहुँचे, ये लगातार आज 28 तारीख को 4 किलोमीटर में दोनों तरफ जो 6 लेन है ये शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पे, वो लगातार दिन और रात बढ़ते रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के 30 ट्रैक्टर और वाहन रात को ही इस मोर्चे को ज्वाइन किया है। आज आंध्र प्रदेश के हमारी किसान सभा के और पूर्व कृषि मंत्री भी जो बहुत बुजुर्ग हैं, आज इस मोर्चे में हमारे शाजापुर बॉर्डर को ज्वाइन किया है। अभी अनशनकारियों का उन्होंने अनशन तुड़वाया है, और निश्चित रूप से कन्नड़ भाषा है लेकिन उसका ट्रांसलेट करेंगे, मतलब कितना हौसला है 80-82 साल के बुजुर्ग कर्नाटक से चल करके इस आंदोलन में, जबकि किसान संयुक्त मोर्चे ने केवल जो दिल्ली के इर्द गिर्द हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को, इन राज्यों को ही दिल्ली कूच का आह्वान किया था, बाकी अपने अपने राजधानी और जिले में कूच करें, लेकिन कर्नाटक से आए हैं, केरल से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, और अब तो वहाँ के किसानों ने कहा है कि हम अगर सरकार नहीं 29 तारीख को अगर वार्ता करके किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है, काले कानून वापस नहीं लेती है, तो केरल और तमिलनाडु से ट्रैक्टर लेकर के 4000 किलोमीटर चल करके इन मोर्चों में आने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से 1 तारीख को आर पार की लड़ाई का संयुक्त मोर्चा आह्वान करेगा और मोदी हारेगा और किसान जीतेगा।